हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 इन EVS वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर टुडे। एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी ड्रॉप काउंट्स। कोई भी ड्रॉप, वाटर के ड्रॉप वो काउंट होती है। यानी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, टुडे वी विल रीड एंड डिस्कस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ए न्यू चैप्टर, एवरी ड्रॉप काउंट्स इन स्टैंडर्ड 5। ओके, लुक टू योर बुक्स केयरफुली। राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेसन। दिस इज ए पिक्चर ऑफ गटशिशर। शर मीन्स ए लेक। दिस इज ए पिक्चर, लुक टू दिस पिक्चर। अगर सबके पास बुक्स होगा तो अपने अपने बुक्स में देखिए, अदरवाइज आई एम शोइंग दिस पिक्चर्स इन योर वीडियो। ये वीडियो में हम आपको ये पिक्चर बता रहे हैं। दिस इज ए पिक्चर ऑफ गटशिशर। सर मीन्स ए लेक। ये पिक्चर जो है, ए गटशिशर जो है उसकी है। सर मीन्स ए लेक। लेक मीन्स ए प्लेस वेयर द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कलेक्टेड। लेक एक प्लेस का नाम है जहां पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का हम लोग कलेक्शन करके रख सकते हैं। किंग गदिस ऑफ जैसलमर। जैसलमर मीन्स इट इज इन राजस्थान। किंग गदिस ऑफ जैसलमर गट इट मेड 650 ईयर्स एगो। ओ लुक स्टूडेंट्स, हमारे जो हमारे से पहले जो पुराने हमारे जितने भी सारे राजा थे, आदमी थे, वो लोग कितनी विद्वान थे, कितने मतलब होशियार थे, वो कितनी इंटेलिजेंसी थी उनके पास। देखिए 650 ईयर्स अगो ये जो लेक बनाया था वो 650 साल पहले जैसलमेर के राजा ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ द पीपल। उनकी जो भी प्रजा वगैरह थे, उनके जो पीपल्स थे, वो उनकी हेल्प लेकर वहाँ पे राजा ने लेक बनाया था। सर मीन्स लेक। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। जहाँ पे भी उन्होंने लेक बनाया था वहाँ पे घाट्स था और स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ थी, स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, जहाँ पे पहुँच सके। डेकोरेटेड बरामदास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। जब ये बन गया था तो पूरी सिटी को, हर कोई का घर का बरामदा, लार्ज हॉल बड़े बड़े हॉल में, रूम्स एंड मच मोर सब जगह को सजाया गया था। पीपुल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। आदमी लोग क्या करते थे, जो भी त्यौहार वगैरह बनाया जाता था वह हर कोई आदमी वहाँ पे अपना त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। और कोई किसी की बड़ी पार्टी हो, कुछ हो, कोई प्रोग्राम बन गया जहाँ पे म्यूजिक वगैरह बजता था और डांस वगैरह होता था, तो चारों ओर पानी थी, स्टेप्स था, घाट्स था, तो एक विजिटेड प्लेस हो गया था। सो स्टूडेंट्स, सो मैनी पीपल्स आर कमिंग टू सेलिब्रेटेड द म्यूजिक एंड द डांस ऑल्सो। चिल्ड्रेन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और कभी कभी क्या होता था, जितने भी सारे स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो भी पढ़ाई करने के लिए वो घाट के नज़दीक आ जाते थे। द तालाब बिलोंग टू एवरी वन एंड एवरी वन टूक केयर टू कीप इट क्लीन। भले राजा ने बनाया था बट द तालाब बिलोंगड टू एवरी वन। वो जो तालाब थी वो किसी एक का नहीं था, कोई राजा का नहीं था, इट बिलोंग टू एवरी वन, वो हर कोई का था। जितने भी पीपल्स, दोज हु आर लाइव इन द सिटी, सब पीपल का वो तालाब था। एंड एवरी वन टूक केयर टू कीप इट क्लीन। और हर कोई उसको साफ सफाई रखना, पानी गंदा नहीं करना है, उसकी एनवायरमेंट, उसके चारों साइड कैसे साफ रहे,
उसके बारे में वो लोग को ध्यान देते थे। ओके स्टूडेंट्स, रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। और कितने देखिए वो लोग इंटेलिजेंसी थी उनके पास, रेन वाटर यानी कि बारिश का जो वाटर होता था, बारिश में से जो पानी आता था वो लोग फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में वो उसका पानी का यूज कर सकें, वो पानी वेस्ट ना हो, वो पानी बर्बाद ना हो, इसके लिए वो लोग क्या करते थे, रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मेनी माइल्स। रेन वाटर को वो लोग को कलेक्शन करते थे और ये बात चारों ओर पता चल गई। इट वॉज मेड इन सच ए वे दैट वेन द लेक वॉज फुल, वो ऐसा बनाया गया था कि पानी का एक टिप्पा भी बर्बाद ना हो। इट वॉज मेड इन सच ए वे दैट वेन द लेक वॉज फुल, ऐसा बनाया गया था कि अगर पहला वाला लेक जो है वो अगर फुल हो जाता है, पानी से भर जाता है, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू अनदर लेक। देखिए वहाँ पे अगर पहला वाला लेक भर जाता है तो वो पानी ओवरफ्लो होके दूसरा जो लेक है उसमें चला जाता था, जो कि उससे थोड़ा सा लोअर लेवल में था, यानी कि थोड़ा सा नीचे था। पहले जो ऊपर वाला पूरा था उसमें लेते थे, वो अगर पूरा भर गया तो उसके नीचे जो थोड़ा सा लोअर लेवल में और एक लेक था वो पानी वहाँ से ओवरफ्लो होके वहाँ पे आ जाता था। वेन दैट टू फील्ड अप, अगर वो दूसरे वाला भी जो लेक था वो भी अगर आपकी भर जाता है, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोडेड इन टू द नेक्स्ट लेक, अगर दूसरा वाला भर जाता है तो उससे जो थोड़ा लोअर लेवल जो तीसरा है उसी में जाकर पानी भर जाता था। दिस वे ऑल 9 lakes filled up। अच्छा टोटल कितने लेक्स उनके पास थे, टोटल 9 यानी कि 9 lake 9 तालाब जो थे उनके पास थे। दिस ऑल 9 lake filled up। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर। ये जो 9 lake में वो जो वाटर का पानी का कलेक्शन करके वो रखते थे, ये क्या होता था, पूरी साल थ्रू आउट द ईयर उसके इस्तेमाल करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हो या फार्मिंग एग्रीकल्चर खुद के यूज़ के लिए हो, ड्रिंकिंग के लिए हो, क्लीनिंग के लिए हो, वो पूरी साल क्या करते थे, वो 9 lake को उसकी पानी जो थी उसको यूज़ करते थे। टुडे गटर इज नो मोर इन यूज, आज की तारीख में बेटा जो 650 ईयर्स बैक में बनाया गया था, पीछे बनाया गया था, लेकिन आज की तारीख में वो गटर इज नो मोर इन यूज, उसकी अभी इस्तेमाल नहीं होती है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 lakes। अभी क्या हुआ है, मैनी न्यू बिल्डिंग्स, बड़े बड़े सब बिल्डिंग्स आ गए। हम लोग जो अपना घर बनाते हैं रहने के लिए, अपार्टमेंट्स, बंगलोस, रो हाउसेस और बड़े बड़े कॉलोनीज, ये सब वो 9 lake के बीच आ गए। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस लेक, अभी और वो जो बारिश का पानी था वो अभी उसमें कलेक्टेड नहीं हो रही है, अभी और पानी नहीं आ रहा है। रेन वाटर जस्ट फ्लोस अवे एंड दिस इज वेस्टेड। और क्या होता है, पहले जो राजा थे, पहले जो हमारे पीपल्स थे, वो जो भी एक ड्रॉप वाटर, एक पानी का टिप्पा भी वो लोग बर्बाद नहीं करते थे, पानी का एक एक टिप्पा को वो सेव करके रखते थे फॉर द फ्यूचर यूज, भविष्य की यूज के लिए वो जो सेव करके रखते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी क्या हुआ, जो 9 lakes थे इनके बीच में जो स्पेस थी, जो गैप थी, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ गए, कॉलोनीज आ गए, आदमी जाके रहने लगे, तो पानी और फ्लो होके नहीं आता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जितने भी बारिश होती है वो सब पानी अपनी बेकार हो जाता है, उसको कोई यूज में नहीं आता है। ऑल द टोटल रेन वाटर इज वेस्टेड, सब जो पानी है वो टोटली खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, कोई भी यूज में नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ए बैड थिंग, वो तो गलत बात है, क्योंकि वाटर, पानी जो है, इट इज ए हाईली एसेंशियल, वो हमारी जिंदगी जरूरत पूरी करने के लिए और जिंदा रहने के लिए
पानी जो है हमारी बहुत काम में आती है, तो हमको क्या करना चाहिए, वाटर की सेव करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। अगर हमारा टैप में से पानी जाता है, कोई अगर यूज़ नहीं करता है, तो हमारा ड्यूटी क्या होता है, उसको हम बंद कर देंगे। और हम रास्ते में भी जाते हैं, कोई अगर देखे कि म्यूनसिपालिटी के जो पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं उसका पानी खुला है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम बंद कर देंगे। एज ए स्टूडेंट हम लोग एक भी ड्रॉप वाटर जो है उसको वेस्ट करने नहीं देंगे, क्योंकि पानी जो है वो सबके लिए जरूरी है और सबकी जिंदगी के लिए यूज़ में काम आता है। अगर इस तरह से हम पानी का अगर वेस्ट करते रहेंगे, पानी की बर्बाद करते रहेंगे, तो वन डे द वर्ल्ड इज विदाउट वाटर, एक दिन क्या होगा, हम सब बिना पानी के रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज एनफ, एंड इन नेक्स्ट कमिंग पीरियड वी विल स्टार्ट विथ पार्ट टू। इस लेसन को रिवाइज करेंगे और रीड करेंगे। टिल देन गुड बाय।